भाभी, मैंने तो आपको उसके पास इसलिए जाने दिया, मुझे लगा आप उसे कोई करारा जवाब देकर आएंगी। पर आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप उसके रंग में ही रंग कर आ गई हैं। जब तक तान्या गलत थी तब तक मेरे भी यही विचार थे जो आज आप लोगों के, लेकिन इस बार मिलने पर मुझे मुझे लगा कि वो बदली हुई, इसीलिए मैं आपसे ये सब कुछ कह रही हूँ। सिमरन, आपके कहने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप तान्या की फितरत को नहीं जानते। और इस प्रोजेक्ट में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, और सबसे अच्छी बात यह है सर कि पूरे इन्वेस्टमेंट का केवल 20% इन्वेस्टमेंट हमारा होगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। क्या? दरअसल वो हमसे किसी विदेशी कंपनी की श्योरिटी चाहते। लेकिन किस तरह की श्योरिटी? कैश या एसेट? नहीं नहीं सर, दरअसल वो चाहते थे कि कोई विदेशी कंपनी हमारे साथ खड़ी होती है, खास करके यूरोपियन कंपनी, तो उनको वहां पे माइलेज मिलेगा। और दूसरे, यहाँ की कंपनी की रेपुटेशन को लेकर वो थोड़ा डाउटफुल थे। उनका कहना था सर कि कोई ऐसी यूरोपियन कंपनी जिसका नेटवर्थ तकरीबन 3,000 करोड़ का हो, अगर हमारे साथ टाई अप हो जाए तो इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उस कंपनी के साथ हमारी क्या प्रॉफिट शेयरिंग है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं, बस वो हमारे साथ जुड़ी होनी चाहिए। आई सी। मेरे ख्याल से ये दुबई वाली कंपनी अपने बैंकर्स को इंप्रेस करने के लिए ऐसी शर्त रख रहे हैं। एनीवेज, बहुत अच्छा कि आप सब लोगों ने जो ये प्रोजेक्ट इस कंपनी के लिए हासिल कर लिया। जब बाबूजी आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, और ये यूरोपियन कंपनी वाला क्लॉज भी हम लोग हैंडल कर लेंगे। ठीक है, मैं काम करता हूँ सर। जब तक बड़े सर ज्वाइन नहीं कर लेते मैं इनको होल्ड पे रखता हूँ। थैंक यू श्रीवास। थैंक यू शीना। थैंक यू सर। तेजा सर, चलते हैं। वरिंदर। अरे गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। वो तो सब ठीक है, यहाँ बैठे हो? हाँ जी, बैठे ही रहते हो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में। अच्छा ये बता, बैठे बैठे क्या करते हो? नहीं भाई साहब, वो ईशान की खोज खबर के लिए बैठे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि ईशान की खोज खबर के लिए हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं होगा ना? इस हॉस्पिटल में कोई नर्स या वार्ड बॉय वगैरह नहीं है? है ना भाई साहब, पूरा स्टाफ है, बल्कि ईशान की देखभाल तो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो फिर तुम दोनों यहां बैठे बैठे सारा दिन क्या करते रहते हो? मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। हाँ कैसे समझोगे, मेरी बात समझ में नहीं आती, मैं बूढ़ा हो गया हूं ना। ले ले भाई साहब, कैसी बातें करते हो आप। वो आदमी शरीर से थोड़ी मन से बुढ़ा होता है, और आप तो मन से हर आदमी से 2 कदम आगे हो, आप कहां बुढ़े हो गए हैं? देखो मैं साफ साफ समझाता हूं, तुम दोनों यहाँ हॉस्पिटल में सारा सारा दिन बैठे रहते थे, ये बात मेरी समझ में आती है, क्योंकि ईशान की तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है ना, खतरा उसके सर पे था, पर लेकिन अब तो ईशान ठीक हो गया है ईश्वर की कृपा से, अब तो खतरा टल गया है, अब तो वो 2-3 दिन में घर भी चला जाएगा। तो अब क्या सारा दिन यहां बैठे रहते हो 24 के 24 घंटे? वो थोड़ा काम धाम कर ले, थोड़ा ऑफिस का चक्कर लगा, चल थोड़ा आराम ही कर ले भाई साहब। मैं तो बहुत कहता रहता हूं, और परजाई भी समझा समझा के थक गई है, पर ये समझे तब ना, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है कि तू जाके आराम कर ले। तो तेरे को थकावट नहीं होती है, है? तू जाना, चल जा, पहले तू जा आराम कर ले।
देखा भाई साहब, बस पूरा दिन यही करते रहता है, जबकि हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा आराम करने की जरूरत इसे है। वो पैसा भी बिल्कुल गलत बोल रहा है, मुझे क्यों है भाई है? बता मुझे क्यों है, कौन गलत है कौन सही है मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं कि वीरेंद्र अब तू यहां से जा, रणवीर के साथ जाके ऑफिस में देखो ऑफिस में क्या हो रहा है, कुछ काम करो, यहां से तो जाओ। हां जी आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मैं जाता हूं ना जी। भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, माना कि श्रीवास्तव जी ऑफिस में है सब कुछ संभाल लेते हैं, पर श्रीवास्तव में और वीरू में फर्क तो है ना, क्यों चुप कर रहा है फर्क का चाचा? तो भाई साहब कह रहे हैं इसलिए जा रहा हूं, नहीं तो तेरे कहने से तो मैं हिलता भी नहीं यहां से। अच्छा अच्छा ठीक है, अब बातें ना बना, जा जल्दी तैयार हो और ऑफिस के लिए निकल। हाँ ठीक है जा रहा हूँ भाई साहब, जा रहा हूँ कहता रहेगा कि तैयार होके आएगा भी, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, जल्दी कर। जा रहा हूँ ना भाई साहब। बहुत बढ़िया किया भाई साहब आपने, अभी तू आगे देख मैं ठाठा कर दूंगा। अब बताइए भाई साहब, मुझे बिना बताए इसने अपनी जमीन बेच दी, जब मैंने पूछा कि जमीन क्यों बेची तो कहता कि मैं ईशान के साथ कोई बिजनेस कर रहा हूं। अब भाई साहब इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता था, आप बस ये समझ लो कि हमें ऑपरेशन से 2 दिन पहले पता चला है कि ईशान बीमार है। वीरेंद्र सबको इतने अच्छे दोस्त नहीं मिलते, तू बड़ा किस्मत वाला है जो तुझे ऐसा दोस्त मिला है जो तेरे ऊपर सब कुछ लुटा दे। हाँ भाई साहब इस मामले में तो मैं किस्मत वाला हूं, दोस्त मिला तो बलदेव जैसा और सरप्रस्त मिला तो आपके जैसा, जो जायदाद और पैसे से ज्यादा तरजीह मुझे देता है। वैसे वीरेंद्र तूने बलदेव के बारे में सोचा क्या? सोचना क्या है भाई साहब, अब उसने जमीन बेच ही दी है तो करने दो उसको आराम। और रही बात चंचल की शादी की, वो तो मैं बड़ी धूमधाम से कहूं, और इन दोनों को मतलब हरजीत भाभी और बलदेव को, इनको तो सारी जिंदगी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वीरेंद्र तू एक काम कर, तू बलदेव की जमीन उसे खरीद कर दे। उससे क्या होगा भाई साहब? देख तुझे पता है कि बलदेव अपनी जमीन से बड़ा अटैच्ड है, तेरे साथ चलने और जमीन को बेचने के लिए वो राजी नहीं हुआ था, लेकिन जब ईशान हॉस्पिटल में गया तो उसने जरा सी भी देर नहीं लगाई अपनी जमीन को बेचते हुए। अब तू ही सोच, जमीन से ज्यादा बढ़िया तोहफा बलदेव के लिए और क्या होगा। हाँ तो आप ठीक कह रहे हो भाई, एक श्रीवास्तव जी गांव में पता कीजिए कि बलदेव की जमीन किसने खरीदी, मुझे 2 दिन में उस आदमी का पता चाहिए, ठीक है? ओके भाई साहब, मैंने श्रीवास्तव जी को काम पे लगा दिया, माता रानी चाहा तो बहुत जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। ओए माता रानी जरूर भला करेगी, तू बस भरोसा रख। शान भैया, वीर कैसे हैं आप? अच्छा तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी भाई। मुझे भी कहाँ मिलने दिया भैया, जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि चंद कदमों पर मेरा रूम था फिर भी आपसे मिल नहीं पाया। मैं भी हर आने जाने वाले से यही पूछता था कि मेरा भाई कैसा है। सिमरन ने मुझे बताया कि तूने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, सच बताऊं बहुत सुकून मिला।
बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी आपकी सारी खबर सिमरन देती रहती है भैया। यू आर वेरी लकी रणबीर कि तुझे सिमरन जैसी लाइफ पार्टनर मिली। हाँ भैया सही कह रहे हैं आप, सिमरन इतनी समझदार और इतनी सुलझी हुई लड़की है कि कई बार तो यकीन ही नहीं होता कि वो गांव में पली बड़ी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाती है कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। काबिलियत शहर और गांव की मोहताज नहीं होती रणबीर, जगह और इंस्टीट्यूशन तो सिर्फ डिग्री देते हैं, काबिलियत इनबिल्ट होती है मेरे भाई। सही कहा भैया। भैया मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, लेकिन आपसे बात करने के बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुंचू। बोलना है, क्या बोलना चाहता है भैया? भैया तानिया का इस तरह से वापस आना और आपकी जिंदगी में जगह बनाना, पता नहीं मुझे आपको कैसा लगता है, लेकिन उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर तो डर लगता है, कहीं हम जानबूझकर मक्खी तो नहीं निकल रहे? डर तो मुझे भी लग रहा है रणबीर, लेकिन सिमरन से बात करने के बाद मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का जरूर हुआ है। भैया सिमरन को भी तो धोखा हो सकता है ना तानिया को समझने। हाँ हो सकता है, लेकिन उसने भी ये दावा नहीं किया है कि वो 100% सही है। उसका सिर्फ ये कहना है कि अगर तानिया ये दावा कर रही है कि वो बदल चुकी है, और हाँ उसे परखने के लिए हमें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन इस बार हम आंख मूंद कर उस पर विश्वास नहीं करेंगे रणबीर। हाँ वो तो सही है भैया, लेकिन रणबीर इसके बाद किसी लेकिन की गुंजाइश नहीं रह जाती। अगर मौका देना है तो देना है, बस हमें थोड़ा सावधान जरूर रहना होगा। ठीक है भैया। अच्छा भैया अब मैं चलता हूँ, और इस बार मैं आपको घर ले जाने के लिए आऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। और आप भी। सिमरन पुत्र तू भले ही कुछ बोल, लेकिन तान्या को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानती। तान्या वो हड्डी है जो एक बार चबाने की कोशिश की ना तो ना उगलते बनेगी ना निगलते बनेगी। हाँ मामी जी एकदम सही कह रही हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती मामी जी कि तान्या ने भाभी को कौन सी पट्टी पढ़ा दी है, और फिर हैरानी तो इस बात की है कि भाभी भी उसकी बातों से कन्विंस हो गई है। अक्कू ना मुझे तान्या ने कोई पट्टी पढ़ाई है और ना मैं उसकी किसी बात से कन्विंस हुई, पर एक बात है जो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर तान्या दोषी है तो उसका साथ ईशान जी ने भी तो दिया था। और मामी जी ने भी तो दिया था। सिमरन पुत्र तुम मुझ पर उंगली उठा रही है, उस मामी पर जिसने अपनी सारी उम्र इस घर की भलाई के लिए निकाल दी। अरे सुखी को मैंने अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया है, अगर उसे मैं प्यार करती हूं ना तो उसे डांटने का हक भी मेरा है। हाँ भाभी आप मामी जी की बराबरी तान्या से क्यों कर रही हैं? मामी जी हमारे घर की बड़ी हैं, हमारी गार्जियन हैं, और इस घर का अहम हिस्सा हैं। अगर मामी जी से कोई गलती होती भी है तो हम उन्हें माफ कर सकते हैं, पर तान्या हमारी कौन है? ये मत भूलो अक्कू कि वो भी एक लड़की है। वो ईशान जी से प्यार करती थी, उनकी पहली पसंद थी वो, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बस उसे एक मौका दे रही हूँ, और मौका देने में हर्ज ही क्या है? कभी क्यों भाभी, इस बात की क्या गारंटी है
कि उसको एक मौका देंगे हम और वो इस मौके को कैश नहीं करेगी? और अगर उसे हमारे खानदान की बहू बनना ही होता ना, तो वो वापस ही क्यों जाती? एक बात तो साफ है, ना तो वो इस घर की बहू बनने के लिए आई है और ना ही ईशान भैया का प्यार पाने। सिमरन पुत्र, अक्कू पुत्र बिल्कुल सही कह रही है। अरे उसे किसी का प्यार व्यार नहीं चाहिए, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसका दीन ईमान, उसका प्यार ना, सब कुछ पैसा है, सिर्फ पैसा। मामी जी, जब हम ये बात जानते हैं तो भला डरने वाली कौन सी बात है? बल्कि हमें तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि तान्या कैसी है, वो सुधरने वाली नहीं है। तो ठीक है ना, हम उसे यही बात समझकर मौका देते हैं कि वो सुधरने वाली तो है ही नहीं, और फिर कल को वो ये भी नहीं कहेगी कि हमने उसे कोई मौका नहीं दिया। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लाठी टूटे या ना टूटे, पर सांप को फन उठाने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी हमारा वार खाली चला गया ना, फिर पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तुम सही कह रही हो, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि जब तान्या वापस आ ही गई है, और सुधरना चाहती है, तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए सुधरने का। और सच बताऊं तो ईशान जी भी इस बात के लिए राजी हो चुके हैं। मामा, क्या हुआ? आप अभी तक सोई नहीं? अपने बच्चे पर आई मुसीबत देख के किसे नींद आएगी पुत्र? मैं कुछ समझा नहीं। तान्या वापस आ गई ना, और वो हॉस्पिटल भी गई और ईशान से भी मिली, और तुम सबने मुझसे बात छिपाई। जी मामा। क्यों क्यों रणबीर? मामा, अगर आपको बताते तो आप परेशान हो जाते, इसलिए आपको नहीं बताया। हे माता रानी, कब तक चलेगा ये सब? थोड़ी सी खुशियां देती हो, साथ में गमों का पहाड़ दे देती हो। रणबीर, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, मैं एक पल भी यहां रुक नहीं सकती, मुझे मेरे ईशान के पास जाना है। मामा, मैं अभी वहीं से तो आ रहा हूँ, वहां पर बलदेव बाबूजी और बाबूजी है ना, तो इस वक्त आप जाकर क्या करोगे? मैं आपको कल सुबह ले चलूंगा। वो आई और ईशान से मिल भी ली। अरे क्या कर लिया बलदेव भाई साहब जी ने और तेरे बाऊजी ने, उन्होंने उसे ईशान से मिलने ही क्यों दिया? भूल गए वो सब कुछ जो उस लड़की ने हमारे साथ किया? अम्मा, कुछ नहीं भूले। एक्चुअली बाऊजी ने उसे देखा ही नहीं था, और जब देखा तो बाहर कर दिया था ना। पुत्र, तेरे बाऊजी को ईशान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तू मुझे हॉस्पिटल ले चल, 24 घंटे अपने बच्चे के साथ रहूंगी, क्योंकि अब मैं उस लड़की का साया अपने ईशान पर नहीं पड़ने दूंगी, तो चल मेरे साथ। अम्मा, आप टेंशन मत लीजिए, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बाऊजी वहां नहीं थे, और अब बाऊजी को पता चल चुका है। अब वो उस लड़की को ईशान भैया तो क्या, उस हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं भटकने दे। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मुझे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं चलते? रणबीर, तुम मेरी बात टाल रहे हो, अपनी माँ की बात टाल रहे हो। देख पुत्र, पहले भी तुम सब की बातों में आकर मैंने अपने ईशान को छोड़ा था, और नतीजा क्या मिला? मेरा ईशान मुझसे दूर चला गया, और अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने ईशान की जिंदगी
इस लड़की के हाथों खराब नहीं होने दूंगी। तो क्या मैं अपने भाई की जिंदगी खराब होने दूं? ठीक है मम्मा, मैं आपकी बात नहीं टालू, पर क्या आपको अपने रणवीर पर इतना भी भरोसा नहीं? मेरा यकीन कीजिए, मैं उस तानिया के बच्चे को अब ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। बस अब आप जाकर आराम कीजिए। पुत्र, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़के फिर से मेरे ईशान को फिर से? नहीं मम्मा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत आपको ईशान भैया से दूर नहीं कर सकती। आपको मुझ पर भरोसा है ना मम्मा? भरोसा है ना मम्मा? हाँ पुत्र। तो बस आप जाकर इत्मीनान से आराम कीजिए, तानिया को मैं देख लूं। प्लीज। अरे आप, क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हैं। ऑफिस में प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है? वही तानिया नॉल, सब उसी बात से परेशान है। लेकिन क्यों? और क्या हो गया अगर तानिया वापस आ गई तो? इसके लिए सबको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे कौन है परेशान? हॉस्पिटल में बलदेव बाबूजी और बाबूजी, और हाँ ईशान भैया भी, और यहाँ मम्मा। मम्मी जी? लेकिन मम्मी जी को तो ये बात पता ही नहीं थी, उन्हें किसने बताया?